साइबराबाद के साकिन का कत्ल किया गया। रचाकुंडा भी और हैदराबाद सिटी पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों कमिश्नरेट की पुलिस चैलेंज का सबब बनने वाले इस कत्ल केस को जितेंद्र कुमार एडिशनल डीएसपी टास्क फोर्स साउथ जोन की कोशिशों ने बेनकाब कर दिया और 5 अफराद बशमूल एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। याद रहे कि यकुम मई को पहाड़ी शरीफ पुलिस हदूद में जलपल्ली तालाब के करीब एक नाश बरामद हुई थी और इसकी शनाख्त भी नहीं हो पाई थी। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। ताहम दूसरी तरफ साउथ जोन टास्क फोर्स हैदराबाद सिटी पुलिस ने भी खामोश कोशिशों का आगाज कर दिया था। पुलिस के लिए कातिलों की गिरफ्तारी से ज्यादा उन तक पहुंचने के लिए मक्तूल की शनाख्त अहम थी। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कातिलों और कत्ल की वजूहात का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि मक्तूल की शनाख्त टिमटिमसाई नाथ की हैसियत से कर ली गई है, जो ऑटो ड्राइवर था। उन्होंने बताया कि इस कत्ल केस में 5 अफराद बशमूल एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें 23 साल शेख इस्माइल साकिन मुजाहिद ग्राउंड मल्लेपल्ली, शेख आलम 24 साल साकिन शाही नगर, 19 साल अमजद अली खान साकिन सुलेमान नगर और 19 साल समीर सना होटल हकीम पेट टोली चौकी बशमूल एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। यकुम मई को ये तमाम साथी टोली चौकी इलाके में जमा हुए और उन्होंने रकम हासिल करने की खातिर चंदा नगर का रुख किया और वापसी में उन्होंने साईनाथ का ऑटो किराया पर हासिल कर लिया। बात सब कुछ सुलेमान नगर आने तक भी बहुत दुरुस्त और दोस्ताना माहौल में जारी थी। सुलेमान नगर के इलाके में ऑटो ड्राइवर को किराया देने पर बहस व तकरार हुई। 700 रुपए के बजाय 500 रुपए देने पर एतराज हुआ और साईनाथ की खूब पिटाई के बाद उसको उसी के ऑटो में पहाड़ी शरीफ ले जाया गया और कत्ल के बाद उसकी नाश को फेंककर फरारी अख्तियार कर ली और नाश को जला दिया गया। टास्क फोर्स पुलिस ने तमाम हालात व वाकयात को एक दूसरे से जोड़ते हुए 48 किलोमीटर की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करने के बाद, डेटा की जांच के बाद इस केस को हल कर लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने रचाकुंडा और साइबराबाद पुलिस के टाउन का शुक्रिया भी अदा किया। सेल्समैन का काम करते हैं चिंतल मेट सुलेमान नगर राजेंद्र नगर रंगारेड्डी, इनके ऊपर एविडेंस को कंसील करने का आरोप है। मोहम्मद अब्दुल समीर एलियस शोहेब सन ऑफ अब्दुल अहमद 19 इयर्स सीसीटीवी मैकेनिक का काम करते हैं और ये रहने वाले सना होटल के पास हकीम पेट टोली चौकी एरिया के हैं। इस पूरे गैंग में एक जुवेनाइल बॉय भी है जिसका की इंपॉर्टेंस रोल है इसमें। ये सब केसेस को जोड़ करके जो डिटेल निकला उससे पता चला कि ये टमटम साईनाथ सन ऑफ नरसैया एज 28 ईयर जो ऑटो ड्राइवर का काम करता है और इस केस में उसी का आइडेंटिफिकेशन हुआ और वो डिसीज है। तो इस पूरे एक्टिविटीज में, इस पूरे केस में हमारे टास्क फोर्स के तरफ से एडिशनल डीसीपी चैतन्य कुमार, उनके पूरे टीम मेंबर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स के मधुमोहन रेड्डी, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर्स एन श्रीशैलम, के एन प्रसाद वर्मा, वी नरेंद्र, मोहम्मद थकीउद्दीन और खास करके साइबराबाद कमिश्नर साहब के पूरे टीम और पहाड़ी शरीफ के पूरे टीम को मैं तहे दिल से उनको हार्टी कांग्रेचुलेशंस कहता हूँ। थैंक यू।